झरिया सुदामडी पाथरडी पूर्व मध्य रेलवे पाथरडी लोको बाजार स्थित ट्रैफिक कॉलोनी में मंगलवार को रेलवे प्रशासन की ओर से अवैध कब्जा किए रेल क्वार्टर एवं रेल जमीन पर बनाए मकान पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में काफी मात्रा में रेल पुलिस, स्थानीय पुलिस, दंड अधिकारी आदि मौजूद थे। दर्जनों क्वार्टर को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। आपको बताते चले कि इसके पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार कई दिनों से अवैध कब्जा कर क्वार्टर को खाली कराने के लिए ध्वनि यंत्र से प्रचार प्रसार किया गया था तथा खाली करने की चेतावनी दी गई थी, फिर भी कई आवास खाली नहीं पाए गए, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा दर्जनों आवास को तोड़ दिया गया। वहीं इस मामले में डीईएमडी के पांडे ने बताया कि रेलवे के आवास में अवैध कब्जा कर रह रहे लोगों को हटाया जा रहा है। लगभग 450 क्वार्टर तोड़ने की नोटिस है और यह मुहिम अभी चलता रहेगा। मौके पर IOW जितेंद्र कुमार, दंड अधिकारी श्यामलाल मांझी, झरिया अंचल अमीन कृष्णा कुमार, सुदामडी थाना RPF के सहायक मनोज झा आदि अधिकारी मौजूद थे। अब कितने घर तोड़ना है सर? पीएस लीजिए, पीआई सर दे रहे हैं। चलिए भीड़ हटाइए आप लोग। 100 घर तोड़ने का है और रेलवे का मकान है जिसमें अवैध रूप से लोग कब्जे करके रह रहे थे। हम लोग पर नोटिस करके हम लोग को दंडाधिकारी के रूप में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पट्टी नोटिस किया गया। लगभग 100 क्वार्टर तोड़ना है। कि हम जिस यहाँ जो कार्य करा रहे हैं, हमें अधिकार नहीं है कि हम कोई भी मीडिया को बयान दें, लेकिन चूंकि आप लोग बाध्य कर रहे हैं इस बात को कुछ पूछने के लिए, इसलिए मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। ये पाथरडी में लगभग 1,500 क्वार्टर हैं, 1,050, जिसमें लगभग 450 क्वार्टर अनऑथराइज कब्जा है, तो उसी की कड़ी में ये कार्रवाई चल रही है। पिछला जो 13 तारीख को हुआ था, आज फिर हम लोग लगभग ये टारगेट है कि 100 क्वार्टर के आसपास है जिसको सभी कब्जा सबूत कराएंगे। अगली कार्रवाई सर कब तक होने की संभावना है? ये जब तक 450 क्वार्टर नहीं खाली हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। अब डेट फिर अगला जब देखिए, जब मिलेगा प्रशासन द्वारा तो किया जाएगा।